काई घनत्व के अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा आर्थिक घनत्व हम आर्थिक घनत्व भी ज्ञात कर सकते हैं किसी क्षेत्र का और ये आर्थिक घनत्व जो है वो आ, उस देश में जो मिलने वाले आर्थिक संसाधन हैं किसी देश की आर्थिक संसाधनों की क्षमता और वहाँ पर आ, मिलने वाली जो जनसंख्या है संपूर्ण जनसंख्या का अनुपात जो है वो आर्थिक घनत्व कहलाता है और इसे निकालने का फार्मूला होता है देश की कुल जनसंख्या और बटे देश के आर्थिक संसाधनों का मूल्य वहाँ जितने भी संसाधन मिल रहे हैं उन संसाधनों का मूल्य इससे हम निकाल सकते हैं आर्थिक घनत्व इसके बाद है कृषि घनत्व किसी भी क्षेत्र का कृषि घनत्व जो है वो हमें आ, उस देश या उस क्षेत्र के आ, जो जनसंख्या है जो कृषि कार्य में लगी है तो उस क्षेत्र की कुल कृषि कार्य में लगी जनसंख्या बटे आ, उस देश की कुल कृषि योग्य भूमि या उस क्षेत्र की कुल कृषि योग्य भूमि इन आ, इन दोनों को यदि हम भाग दे दें तो हमारा कृषि घनत्व जो है वो निकल कर आ जाएगा तो ये कुछ मेथड थे कुछ विधियाँ थी जिसके माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के जनसंख्या घनत्व का मापन कर सकते हैं लेकिन सर्वाधिक प्रचलन में या हमारे सर्वाधिक उपयोग का जो है वो हमारा कायिक घन वो हमारा अंक गणितीय घनत्व है जिसमें हम जिसके अंतर्गत हमने देखा कि कुल जनसंख्या बटे उस क्षेत्र का उस शहर का या उस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल इससे हम अंकगणित घनत्व जो है वो ज्ञात कर सकते हैं अब हम विश्व में जनसंख्या घनत्व के वितरण का प्रारूप देखते हैं तो पूरे विश्व में हम बात करें तो सबसे अधिक जो जनसंख्या का घनत्व है या सर्वाधिक जनसंख्या का जमाव जो है वो बांग्लादेश में है जो ग्यारह व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलता है और हमार और हमारे देश में भारत में 407 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का जमाव मिलता है बांग्लादेश एक छोटा देश है और उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि वहाँ बहुत अधिक जनसंख्या सघन रूप में निवास कर रही है और विश्व के अनेक जो अन्य देश हैं या हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों की बात करें तो इस तालिका से आपको स्पष्ट हो रहा होगा इसके साथ ही साथ आप इस मानचित्र से भी अवलोकन कर सकते हैं ये पता लगा सकते हैं कि आ, विश्व के किन देशों में या किन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव बहुत अधिक मिलता है और कहाँ पर कम बच्चों जब हम आ, जनसंख्या वितरण की बात कर रहे थे या अब जनसंख्या घनत्व के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि जनसंख्या का वितरण और घनत्व बहुत अधिक आ, हम इसे अलग नहीं कर सकते वितरण का तात्पर्य हमने देखा था कि जनसंख्या का फैलाव होता है और घनत्व से तात्पर्य होता है जनसंख्या का या व्यक्तियों का जमाव तो हम देखेंगे कि विश्व में जहाँ भी जनसंख्या का वितरण कि जिन क्षेत्रों में अधिक मिलता है वहीं पर जनसंख्या का घनत्व भी हमें सबसे अधिक देखने को मिलता है और ये आपको इस मानचित्र से बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो रहा होगा अब हम पूरे विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण देखें तो ये भी हमें पांच प्रतिरूप इसके देखने को मिलते हैं जिसमें सबसे पहले हम बात करें अधिक घने बसे क्षेत्र जो विश्व के सर्वाधिक घने बसे क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत इस प्रारूप के अंतर्गत हम उन क्षेत्रों को लेते हैं जिन देशों में या जिन क्षेत्रों में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक व्यक्ति जो है वो निवास करते हैं और इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं हमारे एशिया का हमारे एशिया महाद्वीप में जो गंगा नदी है सतलज नदी सिंधु ब्रह्मपुत्र यांगटी सिक्यांग मिकांग नदी की जो घाटी क्षेत्र हैं वहाँ पर सर्वाधिक बसाहट देखने को मिलती है और इसके बाद हम देखते हैं एशिया में ही जो जापान की औद्योगिक पेटी है तो इस औद्योगिक पेटी में भी जनसंख्या की सघन बसाहट मिल रही है इसके साथ ही साथ आ, यूरोप का जो औद्योगिक क्षेत्र है यह हम कहें कि इसका जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है यहाँ पर भी आ, जिसमें प्रमुख रूप से फ्रांस है बेल्जियम नीदरलैंड डेनमार्क और ये बेल्ट जो है वो नीदरलैंड से जर्मनी होती हुई दक्षिणी रूस तक चली जाती है यहाँ भी हमें सघन बसाहट मिल रही है और इसके बाद उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका में भी उत्तरी अमेरिका का जो उत्तर पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर हमें जनसंख्या की सघन बसाहट मिलती है और इन पूरे क्षेत्रों में सघन बसाहट का कारण जो है यहाँ पर कृषि का बहुत अधिक विस्तार क्योंकि अभी हमने देखा कि एशिया की जितनी भी नदी घाटियाँ हैं वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी से निर्मित उपजाऊ मैदान है जहाँ पर कृषि की उत्पादकता बहुत अधिक मिलती है तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कृषि का बहुत अधिक विकास हुआ है और साथ ही साथ उद्योगों का भी बहुत अधिक विकास हुआ है तो वो सारे वो सारी कृषि और औद्योगिक पेटियों में हमें जनसंख्या की सघन बसाहट मिल रही है इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रारूप जो है वो है आपका घने बसे क्षेत्र। क्षेत्र तो इसके अंतर्गत हम ऐसे को शामिल करते हैं जहां पर जनसंख्या का घनत्व हमें 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है इसके अंतर्गत जो भारत है यूरोप और चीन के जो कृषि क्षेत्र हैं वो इस प्रारूप के अंतर्गत आते हैं और कारण ये है कि ये घना बसा क्यों है क्योंकि यहाँ पर जलवायु उपयुक्त है उपयुक्त जलवायु के अतिरिक्त उपजाऊ मिट्टी मिल रही है और साथ ही साथ जल की उपलब्धता यहाँ पर इन क्षेत्रों में है जिसके कारण सघन जनसंख्या मिल रही है इसके बाद तीसरा प्रारूप है मध्यम जनसंख्या घनत्व तो इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र शामिल होंगे जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है वो 50 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व मिलता है और इसके अंतर्गत हम देखेंगे मिसिसिपी का जो मैदानी क्षेत्र है और इस मैदानी क्षेत्र से जितने भी लगे हुए क्षेत्र हैं संलग्न जो भूभाग हैं उन क्षेत्रों में साथ ही साथ अधिकांश पूर्वी यूरोप जिसके अंतर्गत थाईलैंड है लाओस है वियतनाम का पूर्वी भाग और हमारे भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा ये क्षेत्र जो हैं वो इस प्रारूप के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं है और कहीं भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो उसके माध्यम से वहाँ पर कृषि का कार्य जो है वो कर लिया जाता है जिसके कारण यहां पर लोगों की बसाहट देखने को मिलती है फिर नेक्स्ट है आपका कम घनत्व के क्षेत्र कम घनत्व के क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या घनत्व जो है वो पांच से पचास व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलता है और ये विश्व के जितने भी घास के मैदानी क्षेत्र हैं ये घास के मैदानी क्षेत्र जो हैं यहाँ पर हमें कम घनत्व मिलता है और यहाँ पर जो पशुपालन है और जहाँ उपयुक्त अवस्थाएं मिलती हैं वहाँ पर सिंचाई के सहारे कृषि का कार्य कर लिया जाता है तो ये कम घनत्व के क्षेत्र हैं इसमें एशिया और अमेरिका के जो घास के मैदान हैं इसके अंतर्गत आते हैं फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जन क्षेत्र जन क्षेत्र मतलब निर्जन प्राय क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या नहीं के बराबर मिल रही है कहीं कहीं एकाद जनसंख्या मिल गई नहीं तो एक भी जनसंख्या वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो निवास नहीं करते तो ये ऐसे क्षेत्र हैं पूरे विश्व में हम देखें तो जो अत्यधिक ठंडे क्षेत्र जिसके अंतर्गत हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ध्रुव में चले जाएं तो ध्रुवी और जो उपध्रुवीय क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं और साथ ही साथ हमारा जो भूमध्य हमारी जो भूमध्य रेखा है तो इस भूमध्य रेखी भूमध्य रेखा के सहारे जो भूमध्य रेखी वन क्षेत्र मिलते हैं चाहे हम अमेजान बेसिन की बात कर लें कांगो बेसिन की बात कर लें तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो जाकर यहाँ की अनुपयुक्त जलवायु और जो अनुपयुक्त भूभाग है दलदली क्षेत्र है इसके कारण यहाँ कोई भी व्यक्ति जो है वो निवास नहीं कर सकते तो ये निर्जन प्राय या जन शून्य क्षेत्र हैं बच्चों यदि हम पूरे पृथ्वी में जो हमारा स्थल मंडल है आ, 29% इस 29% को यदि हम 100% मानकर चलें तो इस 100% का आ, लगभग जो 33% है 33 प्र, प्रतिशत जो भूभाग है वो जनविहीन है यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो निवास नहीं करते अब अभी हमने देखा कि कहीं पर जनसंख्या का वितरण और घनत्व दोनों ही बहुत अधिक मिलते हैं कहीं पर बहुत कम मिलते हैं हमने देखा जो नदी घाटी क्षेत्र हैं, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र हैं, यहाँ पर जनसंख्या की बहुत सघ सघन बसाहट मिल रही है साथ ही जो बहुत अधिक ठंडे प्रदेश चाहे हम ध्रुवीय क्षेत्र की बात कर लें पर्वतों के जो ऊंचे शीर्ष भाग हैं उन क्षेत्रों की बात कर ली दलदली क्षेत्रों की बात कर ली तो यहाँ पर हमें जन विहीन क्षेत्र जन शून्य क्षेत्र देखने को मिलते हैं और इन दोनों ही क्षेत्रों के बीच में एक मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र मिल रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि कई पार्ट में कई भागों में विभाजित विभाजित देखने को मिलता है कि कहीं बहुत अधिक जनसंख्या कहीं बहुत कम जनसंख्या तो क्या कारण है कि इतने पूरे विश्व के इतने बड़े भूभाग पर जनसंख्या का घनत्व और वितरण दोनों ही असमान रूप से मिलता है तो कुछ कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं आप ही सोच कर देखिए आप कहाँ पर अपना घर लेना चाहेंगे यदि आपको अपने लिए एक घर खरीदना हो अपने लिए एक घर बनवाना हो तो आप कौन सा क्षेत्र पसंद करेंगे ऐसा क्षेत्र पसंद करेंगे ना जहाँ पर आपको सारी सुविधाएं जो हैं वो आसानी से उपलब्ध हो पाए फिर चाहे वो स्कूल हो बैंक हो अच्छी रोड की कनेक्टिविटी हो ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी हो वहाँ पर मार्केट उपलब्ध हो तो ये जो चीज़ें हैं वो हम कहीं भर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहने के लिए जाते हैं तो हम इन बातों का अवलोकन कर लेते हैं कि ये सारी सुविधाएं वहाँ पर हमें अच्छी तरह से मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं तो ठीक वैसे ही जब हम विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व की बात करते हैं तो कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं कि कहीं पर जनसंख्या बहुत अधिक और कहीं पर कम क्यों मिल रही है तो ये तीन कारक हैं पहला तो भौगोलिक कारक भौगोलिक कारक के अंतर्गत भी हम देखेंगे जल की उपलब्धता भू विन्यास या भू आकृति जलवायु और मृदा दूसरा कारक है आपका आर्थिक कारक इसके अंतर्गत खनिज और उद्योग या हम बात कर ले आवागमन या परिवहन के साधन की और नगरीकरण ये प्रमुख आर्थिक कारक हो गए और इन दोनों भौगोलिक और आर्थिक कारकों के अतिरिक्त आ, किसी भी क्षेत्र में वहाँ पर की जो सामाजिक और संस्कृति है, या हम कहें कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी महत्वपूर्ण रूप से वहाँ जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं तो आइए हम एक एक करके सब पर चर्चा कर लें पहले हम देखते हैं भौगोलिक कारक भौगोलिक कारक के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जल की उपलब्धता हम जो मूलभूत आवश्यकताओं की बात करते हैं भोजन रोटी और कपड़ा या रोटी कपड़ा और मकान की जब हम बात करें तो इन मूलभूत आवश्यकताओं से भी एक अनिवार्य चीज़ है जो जीवन जीने के लिए हमें आवश्यक है फिर हम हवा की बात कर ले या पानी की भोजन के बिना तो हम कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक रह भी सकते हैं लेकिन जल के बिना हम नहीं रह सकते बहुत अधिक दिनों तक जल के बिना हमारा जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो हम देखते हैं कि जल की उपलब्धता किसी भी स्थान पर जनसंख्या के लिए एक अनिवार्य तत्व है और इस बात का अंदाजा हमें इसी से लगाया जा सकता है कि किसी ने कहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो ये तीसरा विश्वयुद्ध जो है वो और किसी चीज़ के लिए नहीं जल के लिए ही होगा तो हम जल की आवश्यकता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं जल की आवश्यकता तो हमें हर चीज़ के लिए होती है फिर हम पीने की बात कर लें जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं होगा फिर दैनिक जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं कपड़ा धोने के लिए या अन्य किसी भी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की हम बात करें जिसके लिए हमें खाना बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है साथ ही साथ कृषि कार्य कृषि कार्य के लिए उद्योगों के लिए सिंचाई के लिए सभी के लिए तो हमें जल की आवश्यकता है तो हम इस बात का प्रभाव जो है पूरे विश्व में जनसंख्या पर भी देखेंगे या उनकी बसाहट के रूप में देखेंगे कि जहाँ पर जल की उपलब्धता होती है वहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में निवास करती है सघन बसाहट मिलती है फिर हम बात कर लें अपने देश में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों की घाटियों में उन नदियों के किनारे फिर और हम बात कर लें यांगटी सिक्क्यांग सिक्ग नदी के मिसिसिपी मिसौरी नदी की हम बात कर लें ये सभी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नदियों के माध्यम से या जो तटवर्ती समुद्र तटवर्ती क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में हमें जनसंख्या की सघन बसाहट जो है वो देखने को मिलती है और हम प्राचीन काल से भी जाएं तो हम देखें कि जो सभ्यता का विकास हुआ है वो नदी घाटियों के पास ही हुआ है फिर दूसरा इसका कारक है भू आकृति या भू विन्यास मनुष्य के आवास बनाने के लिए या वहाँ पर निवास करने के लिए जिसमें जहाँ पर उसे अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध हो पाए उसके लिए वहाँ पर समतल धरातल होना जो है वो बहुत आवश्यक है तो भू आकृति भी बहुत एक महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाला क्योंकि जो समतल मैदानी क्षेत्र होते हैं अभी हमने जल की आपूर्ति के रूप में नदियों की बात की थी इन नदियों के द्वारा निर्मित जो जलोढ़ मैदानी क्षेत्र हैं समतल भूभाग है उनके द्वारा जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण किया गया है इन सभी क्षेत्रों में हम देखेंगे कि जो मानव आवास हैं या मानव व्यक्तियों का जो निवास है वो बहुत अधिक मिलता है वो किसी उबड़ खाबड़ क्षेत्र में या पर्वती या पठारी क्षेत्र में जाकर रहना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ना तो वहाँ पर कृषि कार्य किया जा सकता है ना ही वहाँ पर किसी भी प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध होंगे और आ, हर आवश्यकता के लिए उन्हें पूरी तरह से जूझना पड़ेगा और वहीं हम मैदानी क्षेत्रों में देखेंगे तो हर क्षेत्र से बहुत आ, अच्छी कनेक्टिविटी चाहे हम आ, इसके परिवहन के साधन या आवागमन के साधन या संचार के साधन की बात करें इन सब के साथ-साथ वहां पर कृषि और उद्योग की स्थापना भी जो है वो बहुत आसानी से की जा सकती है जिससे जो लोग हैं वहां पर निवास करते हैं उनका जीवन बहुत ही आसान और सरल हो जाता है तो लोग यही इन्हीं क्षेत्रों में निवास करते हैं जहाँ पर उन्हें समतल भूभाग मिले और हम यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि विश्व के जितने भी जो अधिकांश मैदानी क्षेत्र हैं समतल भूभाग वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या का वितरण और घनत्व दोनों ही हमें अधिक देखने को मिलता है और जो उबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्र हैं दलदली क्षेत्र हैं मरुस्थली क्षेत्र हैं यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस मानचित्र के माध्यम से कि हमें बहुत कम जनसंख्या जो है वो देखने को मिलती है अब अगला हम देखते हैं जलवायु जलवायु एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो किसी स्थान पर रहने के लिए आपको मजबूर करता है मतलब हम ये कहें कि आप ये अक्सर देखते होंगे कि जब ग्रीष्म ऋतु आती है गर्मी का मौसम आता है और गर्मी इतनी असहनी हो जाती है तेज हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि हम इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आप क्या करते हैं किसी हिल स्टेशन या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं वहीं आप देखेंगे आ, कि बहुत, विश्व की बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जहां पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो वहां पर तो हम देखेंगे कि शीत ऋतु में पूरा क्षेत्र जो है वो बर्फ से ढक जाता है तो वहाँ की जनजाति क्या करेगी वो आ, उन आ, ठंडे प्रदेशों से उन ऊंचे क्षेत्रों से निचली घाटियों की तरफ आती है जहाँ पर उसे अपने पशुपालन के लिए चारा गाह आदि जो भूमि है वो उपलब्ध हो पाए और वो पशुपालन का कार्य कर पाए तो ये दोनों विपरीत परिस्थितियों की जब हम बात करें जैसे हम उष्ण मरुस्थल या शीत मरुस्थल की बात करें जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है बहुत अधिक ठंड पड़ रही है तो ऐसे क्षेत्र में मनुष्यों का रहना व्यक्तियों का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो हम विश्व में भी देखें ऐसे पूरे क्षेत्र जो हैं वो हमें जन मिलते हैं और विशेष रूप से जो मानसूनी जलवायु के क्षेत्र हैं या जहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु होती है समशीतोष्ण जलवायु जैसे हम उत्तरी अमेरिका के मध्य भाग की बात कर लें और साथ ही मानसूनी जलवायु की हम बात कर लें तो उसमें आपका पूर्वी दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी एशिया का जो भूभाग है वो इसके अंतर्गत आते हैं तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि जलवायु जो है वो मनुष्यों के रहने के लिए आ, व्यक्तियों के रहने के लिए बहुत ही अनुकूल है जिसके कारण जनसंख्या की सघन बसाहट इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है फिर नेक्स्ट है आपका मृदा भाई कृषि जो है वो जीवन का आधार होती है और हम विशेषकर बात करें अपने भारत की तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से कृषि प्रधान है और ऐसे ही अन्य क्षेत्र जैसे हमने अभी बात की थी कि मानसून मांसुन, मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र है ना जिसमें आपका पूरा दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया आ, जो मुख्य रूप से आ, शामिल है इन क्षेत्रों में कृषि जो है वो प्रधान रूप से की जाती है और कृषि कार्य करने के लिए वहाँ पर की मिट्टी का मृदा का उपजाऊ होना बहुत आवश्यक है मिट्टी उपजाऊ रहेगी तभी तो हमें बहुत अच्छा उत्पादन उन क्षेत्रों से प्राप्त होगा तो हम देखेंगे कि मिट्टी भी जो है वो बहुत हद तक प्रभावित करती है तो जितनी भी नदियों के जो घाटी क्षेत्र हैं उनके जलोढ़ मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें बहुत अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है वही मरुस्थली या रेतीली क्षेत्र वाले जो भूभाग हैं वहाँ पर हमें बहुत कम जनसंख्या का निवास मिलता है तो ये तो हो गए भौगोलिक कारक जो किसी भी स्थान की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक कारक आर्थिक कारक के अंतर्गत हम देखते हैं खनन और उद्योग खनन मतलब किसी क्षेत्र में किसी प्रदेश में कितने संसाधन जो हैं वो उपलब्ध हैं अगर वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होंगे तो वो किसी उद्योग के लिए एक कच्चा माल जो है वो उपलब्ध कराएंगे तो उससे संबंधित जो उद्योग है वो आसपास के क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि उस खनन क्षेत्र में कार्य करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी अब जब लोग वहाँ पर निवास करने लगेंगे तो आ, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए परिवहन की सुविधाएं जो हैं वो चाहिए इसका विकास होगा तो खनन कार्य तो वहाँ पर किया ही जा रहा है संसाधन के मिलने के कारण लेकिन आ, इस कार्य के होने से या उससे संबंधित उद्योग के स्थापित होने से हम ये देखेंगे कि वहाँ पर और बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध हो जाती हैं फिर हम बात कर लें आ, सड़कों की स्कूल की बाज़ार की या चिकित्सा से संबंधित सेवाओं की बैंकिंग सेवाओं की ये सारी सुविधाएं जो हैं वो वहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी क्षेत्र में खनन कार्य होने से या उद्योगों के स्थापित होने से वहाँ पर जनसंख्या को अपनी तरफ जो है वो आकर्षित करता है और लोग उन क्षेत्रों में जाकर बसना चाहते हैं क्योंकि उन्हें रोजगार उपलब्ध हो जाता है प्रमुख रूप से और रोजगार उपलब्ध होने के साथ ही साथ अन्य सुविधाएं भी जो है विकसित हो जाती हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरी परिवहन के साधन भाई मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते हाँ वो एक दूसरे से संपर्क स्थापित करना चाहता है और रोजगार से संबंधित हम बात करें कि अपने रोजगार से संबंधित क्षेत्र में उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है इसके अतिरिक्त हम बात करें शिक्षा प्राप्त करने के लिए चिकित्सा के संबंध में इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वहाँ पर परिवहन के साधन का उपलब्ध होना यदि वहाँ पर परिवहन के साधन कि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है अच्छी सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है तो लोग वहाँ पर रहना चाहते हैं हम ऐसे ही से सामान्य भाषा में समझ सकते हैं आप कहते हैं ना कि हम एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर से हमारा स्टेशन भी पास पड़ता है हमारा स्कूल भी पास है हमारे पापा का ऑफिस भी पास पड़ता है और वहाँ से हम मॉल भी जा सकते हैं तो एक ऐसे सेंटर पे आपका घर है जहाँ से आ, सभी जगह तक पहुँच जो है वो बहुत आसान हो जाती है वहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी की सुविधा आपको उपलब्ध हो रही है तो उस क्षेत्र को आप रहने के लिए बहुत अनुकूल मानते हैं तो ठीक उसी प्रकार पूरे ऐसे क्षेत्र फिर हम बंदरगाह क्षेत्र की बात कर लें प्रमुख राजधानी क्षेत्र या महानगर क्षेत्र ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं जो परिवहन के साधनों के माध्यम से सभी जगहों से इनका जुड़ाव होता है और यहाँ पर इन क्षेत्रों में हमें अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है और साथ ही ऐसे क्षेत्र जो परिवहन के साधन संचार के साधन या आवागमन से कनेक्टिविटी नहीं है कटे हुए क्षेत्र हैं तो वहाँ पर लोग जो है वो जाना नहीं चाहते रहना पसंद नहीं करते और वहाँ पर हमें बहुत कम जनसंख्या देखने को मिलती है फिर अगला है आपका नगरीकरण नगरीकरण जो है वो एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो अभी की वर्तमान स्थिति में तो हम देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो लगातार नगरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और नगरों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हमें देखने को मिलती है तो कौन से आ, कौन सी चीज़ें हैं जो नगरों की तरफ लोगों को आकर्षित करती हैं इसमें हम देख सकते हैं कि नगरों में जब हम चले जाते हैं तो हमको रोजगार के बहुत से साधन वहाँ पर उपलब्ध मिलते हैं फिर हम आ, शाला के क्षेत्र में बात कर लें अलग अलग विभागों की हम बात कर लें शिक्षा के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में परिवहन के साधन से जुड़े हुए क्षेत्र में या न्यायालय के संबंध की बात कर लें चूंकि सभी कार्यालय वहाँ पर उपलब्ध देखने को मिलते हैं और सभी कार्यालय वहाँ पर होने के कारण हमें पता है कि एक निचले स्तर के कर्मचारी से लेकर एक उच्च श्रेणी के अधिकारी तक की आवश्यकता जो है वो इन क्षेत्रों में होती है इन कार्यालयों में होती है इन ऑफिसों में होती है तो हम क्या देखेंगे इससे लोगों को रोजगार जो है वो देखने को आ, रोजगार की प्राप्ति यहाँ पर इन क्षेत्रों में लोगों को मिल जाती है रोजगार तो उपलब्ध होता ही है साथ ही साथ हमने इसके पहले जो बात की थी भाई कि अलग अलग हमें हमारे जीवन को जो बहुत आसान बना देती है वो सारी सुविधाएं हमें देखने को मिलती है फिर हम बात कर लें परिवहन के क्षेत्र में या संचार से संबंधित सुविधाओं की बात करें आ, इस, इस आ, शिक्षा व्यवस्था की बात करें चिकित्सा व्यवस्था की बात करें ये सभी सुविधाएँ जो हैं बैंकिंग सुविधाओं की बात करें वो बहुत आसानी से हमें किसी नगरी क्षेत्र में देखने को मिलती है और यही कारण है कि अभी अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इन नगरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और नगरी जनसंख्या में भी हमें लगातार वृद्धि देखने को मिलती है तो पूरे विश्व में भी हम देखें तो जो प्रमुख नगर महानगर प्रमुख शहरी जो क्षेत्र हैं यहां पर जनसंख्या का हमें बहुत अधिक फैलाव देखने को मिलता है इन भौगोलिक और आर्थिक कारो को के अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं वो भी बहुत हद तक जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं अभी हमने बात की थी कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और इस सामाजिक प्राणी होने के नाते वो ये कोशिश करता है कि वो अपने धर्म या अपने समाज के ही बीच में रहे जिससे उसे एक अलग सुरक्षा का भाव जो है महसूस होता है इन आ, इसके साथ ही आ, उन समाज में उस धर्म को मानने वाले लोगों में एक विशेष जो संस्कृति प्रचलन में होती है उस संस्कृति का निर्वहन लोग करते हैं और वो ये सोचते हैं कि इस समुदाय के लोग हम आपस में ही एक जगह जो है एक साथ निवास करें इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में जिन राज्यों में जिन देशों में बहुत अधिक राजनैतिक अशांति रहती है लगातार हम देखें कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है राजनैतिक उथल पुथल होती रहती है तो वहाँ पर लोगों को असुरक्षा महसूस होती है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या जो है वो बहुत कम मिलती है और जिन क्षेत्रों में हम बात करें कि बहुत अधिक वहाँ शासन के द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं युद्ध की स्थिति नहीं रहती शांतिपूर्ण माहौल होता है राजनैतिक स्थिरता होती है साथ ही साथ अलग अलग समाज और धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से अपनी संस्कृतियों को संस्कृतियों का पालन पोषण करते हैं ऐसे क्षेत्रों में हमें जनसंख्या का फैलाव या जनसंख्या की बसाहट जो है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है तो ये कुछ कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं